आज बात करते हुए शॉपिंग पर हम गहराई से हाँ एक जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद लाइफ का होता है क्या आप जानते हो कैरियर होता क्या है हर इंसान एक भागदौड़ के अंदर पहुंचने के लिए कोशिश करता है जीत हम मेहनत करते हैं लगन के साथ कैरियर 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 चारों दिशाओं में बोलता है जहां देखो उधर कैरियर कैरियर एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन इसका टैग और डायरेक्शन पहचानना बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्तों और जेंटलमैन साइन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैरियर कैरियर का मीनिंग हम ऑलरेडी जानते हैं लेकिन ये पता नहीं होता क्या है कैरियर मेरे प्रिय साथियों मैं पॉइंट को बहुत वैल्यू लेकर वो बहुत गहराई से बढ़ाना चाहूंगा दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैरियर कैरियर होता क्या है मकसद हम कैरियर बनाने के लिए हमारे पास है चारों दिशाओं में घूमते हैं लेकिन जब हम मार्केट में उतरते हैं या आसपास के क्लाइमेट और एनवायरमेंट को देखते हैं तो कैरियर के बारे में हमें पता चलता नहीं होता क्या कैरियर Mostly, इस पॉइंट को बहुत गहराई से सीरियसली समझना और इसका सॉल्यूशन तो मिलेगा हर चीज का डीपली और सीरियसली हर ट्रैक पे बात करते हैं एक इंसान के सामने जो आज जिस दिशा में जाता है चारों दिशाओं में देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं में कैरियर की भागदौड़ में बस लगे हुए मेरे प्रिय साथियों व्हाट इज ऑल जेंटलमैन सेइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैरियर व्हाट इज कैरियर नथिंग इज इन द शॉर्टेस्ट फ्यूचर लेकिन हम समझते हैं ये होता क्या है कैरियर बस धक्के में धक्का एक ही चीज चल रहे भीड़ चल रहे भीड़ में घोए हुए पहचान इंसान की सब उठे भीड़ से अलग चलता है भीड़ में तो हर इंसान की पहचान खो जाती है भीड़ इंसान की पहचान को खत्म कर देती है भीड़ में नहीं चलना है भीड़ से अलग चलना है बट नथिंग इज इन क्राउड इन डिफरेंट इज इन आवर ओन मिस इन क्राउड बट इन द सीरियस नाउ इज इन माइंड इंपॉर्टेंट इज इन इंडिविजुअल इन लाइफ इन सक्सेस बट सेकंड सेकंड एक्सपेक्टेशन नाउ कैरियर ओनली वन फॉर कैरियर क्या आप लोग जानते हो कैरियर कैरियर वो चीज है जिसके शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मैंने इसमें बना के तैयार किया है जो वर्तमान के अंदर एक असंभव सी फील होती है चारों दिशाओं में जहां देखते हैं हम दूसरे इंसान को देखने के बाद हमें वो चीज एक असंभव सी दिखाई देती है दैट इज इम्पॉसिबल दैट सीन विच इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय के अंदर दूसरे इंसान को कंपेयर करके वो चीज असंभव फील करना वो कैरियर होता है क्या समझ पाए मान लीजिए आपकी लाइफ का कैरियर एक आईएएस बनना है एक बिजनेसमैन बनना है एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बनना है ये लाइफ के अंदर बहुत पैसा अर्न करने चाहते हैं तो वो चीज आपको प्रेजेंट में वर्तमान समय के अंदर एक असंभव दिखाई दे रही है इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है शायद क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा या इनके रिलेटेड ये चीज सोचती हूँ क्या इस सेक्टर में मैं सक्सेस होगा बट उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन गहराई से समझना पड़ेगा एक्जैक्टली मेरी लाइफ का मकसद क्या है रियली लाइफ इज इंडिविजुअल इन सक्सेस पॉइंट बात को बहुत गहराई समझना क्या समझ पा रहे हो वो सेकंड सेकंड टाइम रिपीटेशन लव रिपीटेशन कैरियर वर्तमान के अंदर जब किसी भी अनजान इंसान को हम देखते हैं तो वो अपने अंदर एक फीलिंग क्रिएट करना वो देखना अरे यार क्या सक्सेस होता है वही कैरियर होता है दोस्तों यदि आपने दूसरे लोगों से कंपेयर करिए अपनी जिंदगी में तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे मेरे प्रिय साथी और जीवन का कोई मकसद कभी भी डॉट भी कंपेयर नहीं कर सकते कौन क्या है क्या नहीं है जिंदगी में यदि कंपेयर करना तो अपने नीचे वाले इंसानों को देखो अपने ऊपर वाले इंसानों को देखने के लिए अपने सपनों की जान को लगा दो कभी हरासमेंट फील मत करो अपनी लाइफ से नथिंग इज इन इंडिविजुअल इंडिविजुअल एग्जैक्टली The point is Krishna, that is success point. कभी बार हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं कोशिश करते हैं जीत और यार मेरे को ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है बस माइंड यार घूमता रहता है मेरे प्रिय साथी वो बात को बहुत गहरे से समझना इंडिविजुअल इन सक्सेस पॉइंट इन सक्सेस पॉइंट दैट द कॉशन इज योर शॉर्टेज जीवन बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन जीना बड़ी चीज होता है जीने का टेक्निक टैलेंट क्वालिटीज यह बहुत बड़ी चीज होती है समस्या को सामना करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना प्रश्न चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा हो लेकिन आंसर उसका पास सॉल्यूशन छोटा होता है लेकिन क्या हम कैरियर से रिलेटेड इन चीजों को सर्च मारते हैं लाइफ में और सपने बना रखे हैं सपने बनाओ
लेकिन कोशिश करो पूरा करने की। अपने सपने वो हो जिन सपनों के अंदर शान होती है। और सेइंग इन एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो होता है, क्या होता है, जो इंसान की नींद को हिला देता है, कंपा देता है। एवरी टाइम सोते वक्त वो आपको 50 बार दिखाई दे, उसे बोलते सपना। खर्राड़े से गहरी नींद ले रहे हो, 8 बजे 9 बजे कोई बोला नहीं। मॉर्निंग का एक्सेक्ट टाइम करो, कुछ चीजें हमारे लिए अपनी लाइफ का फ्लेक्सिबल टाइम करो। क्या उद्देश्य, क्या मकसद है, जिंदगी का मिशन क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या एक्सेक्टली कुछ बनना चाहते हो। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर रियली कुछ चाहिए, तो उसके लिए पहले अपने आप शोर सुसरून के साथ में अस्तारे के अंदर उत्साहित होकर बढ़ना। और जिस दिन ये एक्साइटमेंट आपकी बॉडी के अंदर होगा, ये करेज आपके अंदर होगा, चलने का स्टाइल क्या है, घूमने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, खड़ा होने के सामने का लैंग्वेज स्कोर क्या है, हमेशा एवरी टाइम अपने काम के प्रति एक्साइटेड। अब आप हम काम तो करते हैं, आज काम देखो धीरे धीरे हमारे माइंड से वो चीज डिलीट होती जा रही है। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, यदि कुछ बनना है, बड़ा काम करना है, तो हमेशा अपने अंदर एक्साइटमेंट और काम के प्रति सोचिए, क्या मैं इस ट्रैक को सही ले रहा हूं, बट रियल इंट्रैक्ट इंडिविजुअल फ्यूचर इन सक्सेस पॉइंट। अपना मकसद क्लियर करो, अपने सपनों के अंदर सहार लो। आप लग रहे हो किसी दूसरे के इंसान के अंदर मत करो, बस सपने को बनाओ, वो सपना जो आपकी जिंदगी हो, एक अलग फॉक्स करता है, एक अलग बनाता है, जिसके अंदर आपको प्राउड होता हो, गर्व होता हो। कोई नहीं, किसी भी टाइप की टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, तनाव नहीं। डोंट बी इन फैलिटेशन इन दिस लाइफ बट इन फ्रीडम इन एवरी टाइम। रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन इंपॉर्टेंट टीशन राइट नाउ, सेइंग इज द सम क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इज इन सेइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट यू वांट फॉर द ड्रीम, ड्रीम होता क्या, दैट इज रिलेटेड इन सम पॉइंट इज करियर एंड ड्रीम। बिल्डर जो करोगे से आ रही है, गोल सेट करो, मुझे 3 महीने के अंदर ये वर्क करना है, मुझे 4 महीने के अंदर ये चाहिए, 300 जो जीवन को बदलने वाला होता है, तो बस हाँ सा बन जाऊंगा। तो इंसान आज से अंजान आगे बोलता है, हाँ क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज बिकम इन फ्यूचर, सब चल रहे काट रही काटना नहीं है। इंसान और जानवर में इतने डिफरेंट होता है, इंसान और जानवर के अंदर डिफरेंट ही होता है, इंसान जीवन को काटता है, क्या सही है, इंसान जीवन को काटता है क्या, नहीं। इंसान में इंसान से डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन ईच अदर मैन एंड फ्यूचर ऑन सीरियस नाउ इज टॉपिक। कहने का मतलब होता है इंसान होता है नेसो, अपनी लाइफ को बहुत ऐसो आराम के साथ जीता है, हर पॉइंट को देखता है, क्या मेरी लाइफ का सक्सेस गोल्स है, क्या मेरी लाइफ के अंदर सो पॉइंट से वैल्यूबल है। हर साल नहीं, कोई लाइफ का ड्रीम नहीं, कुछ नहीं, आज हो गया कल हो गया, बस चल रहा है धक्के में धक्का। एक साथ एक भीड़ में कोई हो, भीड़ में खोने की कोशिश मत करो, भीड़ से अलग चलो। जैसे भीड़ चलाने वाला होता है, चल 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 रही यार, क्या जीवन है, एक्चुअल जिंदगी में कुछ बनना है, लाइफ का कोई मकसद है, जीवन के अंदर सिर्फ अलग करना है, तो एक फ्लेक्सीबल कॉल तैयार करो, एक अपना कैरियर बनाओ। कैरियर से रिलेटेड 50 प्रॉब्लम मुझे इस पॉइंट के अंदर 1000% सक्सेस चाहिए। दुनिया चाहे कितनी भी मुझसे कुछ कहे, कोई मेरे हालात कितने भी नेगेटिव हो, मुझे ये काम करना है। दोस्तों ये पॉजिटिव रहो, हालात नेगेटिव पॉजिटिव रहे, हालात नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब है जिसने दुनिया में मिला के रख दिया। यदि हालात नेगेटिव तो भी पॉजिटिव है, कोशिश करो पॉजिटिव है, जिसे हम पॉजिटिव नहीं है उस टाइम हमारे पैर लड़खड़ाने लगे, कुछ दूर जाके हम गिर जाएंगे। अपने कैरियर को बनाइए, कैरियर से रिलेटेड स्ट्रगल कीजिए, लक्ष्य बनाइए, मुझे इसलिए इतना टाइम के अंदर ये कैरियर हासिल करना, मेरी विजन क्या है, विजन क्या है जीवन का, क्या विजन है, क्या सोचते हो, सुनते सब कुछ जानते हो, बहुत हर चीज जानते हो, ज्ञानी है, क्यों हमें सिखा रहे हैं। नेगेटिव लोगों को यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, नेगेटिव लोगों को यदि आप मिले, बस अपने आप में सब कुछ है, समुद्र है दोस्तों। इंसान की कंपेरिजन, इंसान की क्वालिटी एवरेज स्टार्ट करता, कंपेयर होता है जब 10 इंसानों को बीच में मिलता है, तब निकल के आता है क्या वो क्या आग है, क्या बारूद है, क्या बॉम्ब है, क्या एटम बॉम्ब है, क्या हाइड्रोजन बॉम्ब है। क्वालिटी सब होती है जब सामने के सामने लेवल के इंसान से, कंटेंट होता है एक सामने के लेवल के इंसान से कंपेयर किया, वो पावर वो क्वालिटी उसको कंपेयर करो। इंसान की लाइफ में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। हम साइड में हम बहुत कुछ काम करते हैं,
बस लगे रहते हैं, कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, यदि कुछ पढ़ा करना है, कहते हैं बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं, हाँ छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते, सपने बड़े, डिजायर बड़ी बनाओ। बर्निंग इज डिजायर इन दिस लाइफ। What is future plan? The future plan individual in man point is the connected in here. Content. क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर 100% रिजल्ट हुआ, रिजल्ट में से कुछ लोगों को जांचा गया, फरका गया, कितने लोगों ने गोल बनाए पूरी दुनिया के अंदर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर 8 लाख लोगों में से जो पास आउट हुए, 3% लोगों अपने गोल फिर रिटर्न लिखे हुए थे, 20,000 लिखा हुआ था। दोस्तों अपने गोल्स लिखो, एक गोल फ्लेक्सिबल करो, यदि कुछ पढ़ना चाहते हो, अपने कैरियर को बनाना चाहते हो तो अपने गोल को, और बाकी 97% लोगों के गोल तो थे, 10 या 20% लोगों ने गोल बना रखे थे माइंड से, बाकी 80% का कोई गोल ड्रीम नहीं था, बट उनके अंदर ये लिखा गया था। लास्ट में जो रिसर्च हुआ 3% लोगों के पास में जाए जिनके गोल फिर रीजन साइज लिखे हुए थे, फ्लेक्सिबल लिखे हुए थे, एंड इन फ्यूचर में जब वो सक्सेस हुए, 3% लोग इस दुनिया के अंदर, 97% लोग जिनके गोल नहीं थे, जिनके कोई लिस्ट नहीं थी, उनसे 10 गुना ज्यादा सक्सेस थे, 10 मल्टीप्लाइंग सक्सेस, 10 गुना ज्यादा सफल। इसलिए अपने गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग वो होती है इंसान के माइंड का हमेशा बनाना, एक डायरी लिखो, डायरी के अंदर मेन पॉइंट लिखो उसे क्या करना है, अपने दिन की दिनचर्या को बनाओ। आप इंसान हो, जीवित प्राणी हो, कुछ लोगों की जिंदगी खराब है, टेढ़ मुड़ी है, चलती फिरती लाश बनती है, यहां से इधर आए उधर आए जाए गए, सिंस बस लाश, लाश का मतलब ये कि शरीर जान तो है लेकिन बैठे हो यहां पर कुछ ध्यान नहीं। अरे क्या डायरी यार मेरे प्रिय साथी, ऑल जेंटलमैन, चाइनीज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी जिंदगी की लाश मत बनो, डेड बॉडी मत बनो, एक ताकत बनो, एक बम बनो, एक हाइड्रोजन जहां फटो पूरी दुनिया आपको देखने लग जाए, यार क्वालिटी तो उसकी दिखती है, टैलेंट तो उसका दिखता है, हर चीज पर्सनली कोड, लैंग्वेज कोड, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, स्टेमिना, स्टैंडर्ड्स, टोटल पॉइंट, कार्बोनेट किस है, कौन सी क्वालिटी है, उस पॉइंट को लाइन अप करो, क्या आपका ट्रेंड सही चल रहा है, गलत चल रहा है, उसको चेंज करो। सब आप एक अपनी गोल सेटिंग करते हो इस दुनिया के अंदर, 99% ये होता है कि गोल सेटिंग लिखते नहीं है, जो करता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरे प्रिय साथी कहना चाहूंगा तुम्हें, कड़ी बात इस दुनिया में हर इंसान को बुरी लगती है, लेकिन कड़वी चीज का रिजल्ट बहुत पावरफुल होता है, वो रिजल्ट जब होता है फाड़ता चला जाता है इंसान को, फ्लैश करता चला जाता है। लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश तो करो यार आप, आई विल बी शोइंग यू इज द इंडिविजुअल इन लाइफ, अपना लाइफ का मकसद क्या है, जीवन का मकसद क्या है, बेमकसद चल रहा है इस दुनिया के अंदर, मकसद किसका नहीं होता, जानवरों का नहीं होता। ये छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको पता है कि बिना सोचे समझे आप ट्रैक पे चलते हो तो आपका क्या मंजिल का लेवल्स है, उस लेवल को क्रिएट करो, क्राइट करो, वो क्राइट एरिया, वो पावरफुल एरिया जिसके बारे में आप सोचते हो, पहचानते हो, वो टैलेंट, वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज देखो, उस टैलेंट को देखो, उस क्वालिटीज को देखो, उस पावरफुल रेसो को देखो, उस सेक्शन को देखो जहां आपके परिवार की उम्मीद है, आपके सपने है, फैमिली है, परिवार से, आसपास के दोस्त है, हर चीज है। मैं कहना चाहूंगा उन सभी के लिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वार्निंग टू इन सक्सेस। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।